स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हमेशा करते हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे, इन 6 लाख करोड़ का इस्तेमाल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे समय में इन्होंने अभी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए जो 2 वॉल्यूम्स निकाले हैं, उनके वॉल्यूम पहले वॉल्यूम के अंदर ही उन्होंने मेंशन किया है पैरा 1.2 में, और उन्होंने कहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 36 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? सन 2012 से 2017 तक, यानी प्रति वर्ष 12वीं पंचवर्षीय योजना में 7,20,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ, ये इनकी खुद की डॉक्यूमेंट कहता है। और इसके आगे यही डॉक्यूमेंट इनका भारत सरकार का कहता है कि अगले 2 वर्षों में 2018 और 19 में यह 10 लाख करोड़ रुपया 2 वर्षों में खर्च किया गया, यानी औसत कितना आया? 5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च। तो हमारे समय के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च 7,20,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष होता था, अगर मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा खर्च करना चाहते तो वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ने की जगह 7,20,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ने की जगह 5 लाख करोड़ के ऊपर 40% इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कम कर दिया मोदी सरकार ने। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे देश की जो जमा पूंजी बेची जा रही है, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का मकसद नहीं है, इसका सीधे सीधे मकसद यह है कि अपने मित्र पूंजीपतियों के हाथ कौड़ियों के भाव हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए उनके कौड़ियों के भाव, जो 70 वर्ष लगातार कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों की, हम लोगों की पैसों से, हमारे टैक्स पेयर से पैसे से जो इकट्ठा किया, उसको कौड़ियों के भाव में लुटाए जाने का काम करा जा रहा। अभी लगभग 10-11 दिन पहले भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर लगभग 12 मिनिस्ट्रियों के अंदर, 12 मंत्रालयों के अंदर आने वाले 20 से अधिक संपत्तियों के क्लासेस का निजीकरण और कौड़ियों के भाव बेचने का एक तरीके से बम फोड़ करके पूरे देश के अंदर हलचल मचा दिया। मैं इससे पहले कि इसके बारे में बोलूं, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर इसका क्या असर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो उसके लिए बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि 20 टोटल क्लासेस इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए कहा है, उसमें से 6 उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का एयरपोर्ट अब अगर लखनऊ के तर्ज पे जाना जाए तो अब यह अडानी एयरपोर्ट हो जाएगा, और इसकी कीमत महज 500 करोड़ रुपए लगाया गया। और ये कैसे 500 करोड़ रुपए सरकार को कब मिलेंगे, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, इसके अंदर 8 राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे झांसी से शिवपुर, आगरा बाईपास, आगरा से भरतपुर, उरई से बारा, केबल ब्रिज नैनी, प्रयागराज में फतेहपुर से पोखरा, जैसे करके 8 टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग इसके अंदर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का सेक्टर लखनऊ का, जहां पर हमारे बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो अंतरराष्ट्रीय मेडल जीत करके आए, उसको भी निजीकरण उसका भी हो रहा है, वहां पे अब क्लब बन जाएंगे, वहां पर अब क्लब के साथ में रेस्टोरेंट्स होंगी, शादियां होंगी, वहां पे बार खुल जाएंगे, और हमारे बच्चे कहां प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे, उस चीज का कोई भी किसी तरीके से कोई रोड मैप नहीं। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी साई सेंटर लखनऊ, वैसे ही साई सेंटर बैंगलोर, और दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और एक और नेशनल स्टेडियम दिल्ली का, ये भी इसके अंदर है, और ये स्पोर्ट्स के अंदर
हमारे अच्छी परफॉर्मेंस का इनाम हमारे स्पोर्ट्स के लोगों को ये दे रहे हैं कि यहाँ पे भी सारे के सारे इन स्पोर्ट्स स्टेडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे जो नवरत्न एक तरीके से कहा जाते हैं, और ये मैं कोई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर पर नहीं बल्कि भारत के पूर्व खेल मंत्री के तौर के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर सख्त इस चीज के ऊपर इतराज है कि हमारे जो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने जो बनाए हैं, जहां पर से हमारे खिलाड़ी तैयार होकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतते हैं, वहां पे उन सब स्पोर्ट्स स्टेडिया और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का इस प्रकार से निजीकरण का हम पूरा विरोध करते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स के अलावा किसी और तरीके से कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन हमारे प्रयागराज यात्री गाड़ी ऑपरेशन, इसके अंदर रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि इसका रेल लाइन, इसका प्रयागराज का जो यात्री गाड़ी है दिल्ली से प्रयागराज की, उस चीज को इसमें डाला गया है। पावर सेक्टर में उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर के निजीकरण भी इसके अंदर शामिल। तो ये छह उत्तर प्रदेश के संबंध के अंदर ये कहा जा रहा है। साथियों, आपने हम सब लोगों ने अपने जमाने के पिक्चर राम और श्याम, सीता गीता तो सब लोगों ने देखा होगा, बड़ी मशहूर पिक्चरें रही है। तो मोदी जी ने एक और पिक्चर का निर्माण किया है जिसके वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद है, और उसका नाम है मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन जब उन्होंने किया, नोटबंदी जब उन्होंने करी, तो नोटबंदी के दौरान छोटे कारोबारियों को लूटा गया, छोटे व्यापारियों को लूटा गया। डीमोनेटाइजेशन के दौरान छोटे तबके मध्यम वर्गीय तबकों को लूटा गया, और इस मोनेटाइजेशन से हमारे पूरे के पूरे देश की धरोहर और पूंजी को लूटाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, ये हमारा सीधे सीधे आरोप है। और ये मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन ये जुड़वा बच्चे हैं जो मोदी सरकार की देन है, और दोनों के दोनों इन जुड़वा बच्चों ने पूरे देश के अंदर गरीब और मध्यम वर्गियों के ऊपर दोनों के दोनों इन जुड़वा बच्चों ने पूरी तरीके से अपना एक आतंक पूरे देश के अंदर फैला दिया है, ये हमारा कहना है। हम लोगों ने कभी भी सामरिक महत्व की चीजों को, कभी भी हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया। आज हमारे पेट्रोलियम लाइन्स, आज हमारे गैस लाइन्स, ये सब हमारे को एनर्जी देता है, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे को पेट्रोल देता है, हमारे को गैस देता है, हमारे को जिस वक्त अगर कल को ये सामरिक महत्व की चीजें अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर पैसा खर्च करके कोई भी कंपनी अगर पहली बार में या उसके बाद में खरीद ले, तो कैसे उस चीज को कल को जरूरत पड़ने के ऊपर हमारे दुश्मन देश उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, इस चीज का कौन इस चीज के लिए जिम्मेवार होगा। रोजगार ये देते हैं, रेलवे में जितना आगे बढ़ता है हमारे, चाहे वो दलित रिजर्वेशन के माध्यम से हो, ओबीसी रिजर्वेशन के माध्यम से हो, ये हमारे को शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के माध्यम से हो, हमारे इन वर्गों के लोगों के लिए ये रोजगार देता है। जब ये प्राइवेट हाथों के अंदर चला जाएगा तो ये रोजगार के अवसर भी इन सब जगहों के ऊपर खत्म हो जाएंगे, इस चीज को भी हमको समझने की जरूरत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।